जय हिंद दोस्तों मैं हूं में जोरावारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट right. दोस्तों पहले भी हमने आपको यह बताया था कि आईएनएस जटायु यानी कि इंडियन नेवी का एक बेस बन रहा है लक्षद्वीप में मैं याद है हमने पहले बात बताया था आपको और बोला था कि किस तरीके से ये काउंटर करेगा चाइनीज इन्फ्लुएंस मॉल में ठीक है जी तो इंडिया ने बोल दिया कि हम बेस बनाएंगे फंडिंग एवरीथिंग इज इन प्लेस एंड वेरी शॉर्टली पूरी तरीके से इस बेस को ऑपरेशनल करेंगे ये क्यों भारत बना रहा है यह जानना जरूरी है दोस्तों देखिए दो तीन चीजें हैं एक तो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस अगर आप मैप देखेंगे आप यह देखेंगे किस तरीके से साउथ चाइना सी साउथ चाइना सी से लेकर अगर आप नीचे आएंगे आप देखेंगे श्रीलंका श्रीलंका में काफी हद तक चाइना का इन्फ्लुएंस भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया यह जो शिप था जिसको आना था बेसिकली श्रीलंका अभी जा रहा है मॉलडीव क्योंकि श्रीलंका ने इसको मना कर दिया यह तो स्टोरी आपको बैकग्राउंड की पता ही है और ये कि हम आई जटायु बनाएंगे यह भी हम मेजरली राइट में पहले कवर कर चुके हैं दोस्तों नई बात यह है कि चाइना का जो शिप है वो मॉल्डीव पहुंच चुका है और यह जो चाइनीज शिप है इसको काफी टाइम लगा क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है आते आते आया वो पहुंचा बीच में से उसने जो सर्वे करी होगी करी होगी और भारत के ईस्टर्न सी बोर्ड का भी सर्वे करते 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 यह पहुंचा है और अब यह जो मॉलडीव है पूरी नजर रखता है यह चाइनीज शिप भारत के लगभग आप लगा लीजिए वेस्टर्न सी बोर्ड पर ऊपर से पूरा नीचे तक ये जाएगा घूमेगा डॉक करेगा इसके पास रेडार्स हैं हैं डीप सी स्कैनर्स हैं, सब कुछ इट विल हैव सैटेलाइट कनेक्टिविटी ये भारत के लिए ये आईएनएस जटायु क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों आईएनएस जटायु इसलिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ चाइना को काउंटर करना ही उसका मकसद नहीं है उसका मकसद यह भी है कि उधर अपना एक नेवल प्रेजेंस जताना वहां पे बैठाना अपना नेवल प्रेजेंस दोस्तों आपको पता ही है किस तरीके से अगर आप लाल सागर की बात करें जो कि एक दूसरे डायरेक्शन में ऑल टुगेदर है लाल सागर में हुथियों का बड़ा एक सॉलिड ग्रिप बनता चला जा रहा है हाल फिलहाल में ही एक और जहाज पे उन्होंने अटैक करा उन्होंने मिसाइल दे मारी ये हुथी कर क्यों रहे हैं ये देखिए पूरा ये अकेला नहीं है जो आई जटायु इंडियन नेवी ने अचानक एक रात उठ के बोला कि नहीं बॉस कल से हमें यहां पर नेवल बेस चाहिए नो

फ ये तो नीचे है ना ऊपर जाके जो हुथी कर रहे हैं लाल सागर में जो सोमाली पायरेट्स कर रहे हैं उन सब चीजों को कंट्रोल करना और पांचवी चीज जो राजनाथ सिंह जी ने बोली थी कि इंडिया विल बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन आईओआर इंडियन ओशन रीजन में भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है बनेगा नहीं है आज की तारीख में है तो देखिए जितना दोस्तों भारत ने एंटी पायरेसी एंटी हुथी ये सारे ऑपरेशंस करें इतने अमेरिका ने भी नहीं करे और भारतीय नेवी लगातार दर लगातार रोज ऑपरेशन कर रही है यहां पर उनके डिस्ट्रॉयर्स हैं राइट यहां पर उनकी हैं, यहां पे उनके फ्रिगेट्स हैं यहां पर मरीन कमांडो एक्टिव हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा शानदार काम करा है इंडियन नेवी ने और ये जो जटायु है आई एन एस जटायू इंडियन नेवल शिप जटायु अब आप बोलेंगे साहब ये तो बेस है इसका नाम शिप ये नेवी का ट्रेडिशन है नेवी वाले हर जगह यही करते हैं अच्छा एक छोटी सी और खबर आई है दोस्तों आपने पी एन एस गाजी का नाम सुना उसके ऊपर फिल्म भी बनी थी पी एन एस गाजी पाकिस्तान की सबमरीन थी जिसको इन्होंने चुपचाप भेजा था फिर इंडियन नेवी का एक शिप था आई एन एस राजपूत उसने आई एन एस गाजी को निपटा दिया डेप्थ चार्जेज मारे उसमें आई एन एस गाजी जो है वो निपट गया पाकिस्तानियों की स्टोरी कुछ और है पाकिस्तानियों की स्टोरी ये है कि नहीं साहब एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से PNS गाजी यानी कि पाकिस्तान नेवल शिप गाजी जो एक सबमरीन थी वो डूब गई असल में स्टोरी ये थी कि आईएनएस राजपूत ने इसको ठोक दिया था ये असली स्टोरी है पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि उन्नीस की जंग वो जीत गए थे लेकिन क्या हुआ कि फिर पीछे से कोई पॉलिटिकल गेम हो गया और डिप्लोमेटिक गेम हो गया जिसकी वजह से तो पाकिस्तानी हर समय झूठ बोलते हैं अपने बच्चों को झूठ की सिरप पिलाते हैं सुबह सुबह लेकिन सच्ची बात यह मैं पी गाजी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ क्योंकि पी गाजी अब मिल गया पीएनएस गाजी मिल गया और पीएनएस गाजी समुद्र के बिल्कुल नीचे ऑफ द कोस्ट ऑफ वाइजैग दो ढाई तीन किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ वाइजैग जमीन में ये इंडियन नेवी ने एक एक सबमर्सिबल जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म नीचे डाला तो उसने खोज के निकाल दिया क्या भारतीय नेवी पीएनएस गाजी को ऊपर लाएगी नहीं एक जापानी शिप भी वहां पर मिली है वहां पे जापानीज प्लेटफॉर्म वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का संक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी थे देवर फाइटिंग अगेंस्ट द जापानीज तो समय जापानीज़ दुश्मन हुआ करते थे क्योंकि अंग्रेज यहां पे काबिज़ था भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था तो ये दोनों शिप्स पाकिस्तानी और जापानीज दोनों मिले हैं और इंडियन नेवी का यह फैसला है कि इनको ऊपर हम नहीं लेकर आएंगे बिकॉज एक पुराना नेवल ट्रेडिशन है कि जो अपने देश के लिए जिसने अपनी जान दी है वो वहां पे आराम कर रहा है दे आर रेस्टिंग देयर एट द बॉटम ऑफ द सेलर्स शुड नॉट बी डिस्टर्ब यह पुराना एक नेवल ट्रेडिशन है अच्छा नेवी से बात याद आई दोस्तों कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अच्छा ये तो नेवी पाकिस्तानी हमने डिस्कस करी पीएनएस गाजी अब इससे मुझे आया, पाकिस्तानी पाकिस्तानी बताता हूं अब दोस्तों हमने बात कर ली थी गाजी के पाकिस्तानी एयरफोर्स पर यह सारी स्टोरीज एक साथ मिली हुई हैं और आपको बड़ा मजा आएगा के पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो एयर चीफ मार्शल है उनका नाम है आ, नेम इज एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू अब एयरफोर्स और नेवी से हम टकराते नहीं है ना हमें तो आसिम मुनीर का नाम याद है तो ये जो सिद्धू साहब है ये एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ये आदमी चोर है तो पाकिस्तान में तेरह सीनियर ऑफिसर पाकिस्तानी एयरफोर्स के जिसमें शामिल हाई रैंकिंग ऑफिसर भी हैं उन्होंने ये इल्जाम लगाया है अपने एयर चीफ मार्शल पे कि भाई ये आदमी चोर है दिस मैन इज करप्ट और जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है उनका नाम है एयर मार्शल एहसान रफीक एयर मार्शल तारिक जिया और रिटायर्ड एयर मार्शल जावेद सैयद ये मतलब काफी हुए इनमें से तीन एयर मार्शल लेवल के एयर मार्शल वेरी वेरी सीनियर तो आप जानते हैं एयर मार्शल इज अ वेरी सीनियर रैंक इन द पाकिस्तानी एयरफोर्स अब वो हुआ है कि साहब इन लोगों ने बोल दिया कि हमारा एयर चीफ चोर है तो एयर चीफ ने क्या करा कि इनको पकड़ने के चलते बोला कि नहीं यार ये कैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं इनको पकड़ो तो इन लोगों के ऊपर उल्टा पाकिस्तान के एयर चीफ जो सिद्धू है उसने अपने ही अफसरों के ऊपर फिर झूठे इल्जाम लगाए अच्छा ये जितने भी अफसर हैं जिन्होंने अपने खुद एयर चीफ मार्शल के ऊपर इल्जाम लगाए हैं ये ऑनेस्ट ऑफिस माने जाते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स में इनकी एक रेपुटेशन है कि दे आर ऑल राइट मतलब ये ईमानदार अफसर हैं ठीक है ना तो इन्होंने जब इनको ये लगा कि इनका एयर चीफ खुद चोरी कर रहा है प्रोक्योरमेंट में तेल में डीजल में एविएशन फ्यूल में स्क्रू ड्राइवर नट हर चीज़ में उसने परसेंटेज मार रहा है सिद्धू तो फिर उसने बोला कि नहीं यार ये नहीं हो सकता ये तो चोरी कर रहा है तो जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया उसने वापस इन लोगों के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप करी और बोला कि इन सबको फिक्स करो ये सारे के सारे बेकार लोग हैं ये सारे के सारे देशद्रोही हैं ये सारे के सारे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं उसने सबको फिक्स कर दिया दोस्तों तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से एक जगह इंडियन नेवी है जो कि अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रही है चाइना को काउंटर कर रही है और दूसरी तरफ आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स है जो कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का एक बहुत अहम हिस्सा है लेकिन ये लोग चोरी से बाज नहीं आ रहे